Assalamualaikum students, good morning, how are you? I hope you all are fine. So let's start over today's work. Open your Urdu workbook and the page number is 17. Urdu workbook page number 17. And today's your lesson is sabak number 5, नीलों का मिट्ठू। हमने इसकी रीडिंग की थी और बुक वर्क किया था। आज का हमारा काम ये है कि आज हम उर्दू वर्कबुक पे इसका काम करेंगे। उर्दू वर्कबुक पेज नंबर 17। सो लेट्स स्टार्ट ओवर वर्क। सबसे पहले हमारे पास है इमला के अल्फाज, यानी ऐसे लफ्ज जो मुश्किल हैं उनकी प्रैक्टिस करना। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लफ्ज़ है चोंच, चेवा चो नून चे चोंच। सबसे पहला लफ्ज़ हमारे पास है चोंच। नंबर टू पे हमारे पास लफ्ज़ है पंख। आपने ये लफ्ज़ ऊपर से देखते हुए इसी तरह इनके नीचे इनको अगेन राइट करना है। नंबर टू पे हमारे पास लफ्ज़ है पंख। नंबर थ्री पे हमारे पास लफ्ज़ है ऊँगता। ऊँगता मीन्स सोते रहना, हर टाइम सोते रहना, ऊँगता। नंबर फोर पिंजरा। पिंजरा आपको पता है कि जहाँ पे हम परिंदों को रखते हैं, परिंदों को हम जहाँ पे बंद करके रखते हैं उसे हम पिंजरा कहते हैं, और इंग्लिश में उसे केज कहा जाता है। सो पिंजरा। नंबर फाइव इज़ कुकड़ुकू। कुकड़ुकू मीन्स मुर्गे की आवाज़, मुर्गे के बोलने की आवाज़। सो नंबर फाइव इज कुकड़ुकू। सो नेक्स्ट वन, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखकर जुमले दोबारा लिखें। ये जितने भी लफ्ज़ अंडरलाइन हुए हुए हैं आपने इनका आसान मतलब लिखकर इन तमाम जुमलों को दोबारा यहाँ पे सामने राइट करना है। मैंने सिर्फ इनके मतलब लिखे हैं जबकि आपने इन जुमलों को दोबारा पूरा यहाँ पे राइट करना है। नंबर वन, नीलों का मिट्ठू भोला बाला था। इसको हम किस तरह से राइट करेंगे? भोला बाला का मतलब मासूम, सो वी विल राइट इट नीलों का मिट्ठू मासूम था। यहाँ पे हम इसके सामने राइट करेंगे नीलों का मिट्ठू मासूम था। नंबर टू, सब लोग उसे बुद्धू कहते थे। बुद्धू मीन्स इज बेवकूफ, सो वी विल राइट इट सब लोग उसे बेवकूफ कहते थे। हम इसके सामने राइट करेंगे सब लोग इसे बेवकूफ कहते थे। नंबर थ्री इज मिट्ठू के पंख हरे थे। पंख मीन्स पर, परिंदों के पर, सो वी विल राइट इट मिट्ठू के पर हरे थे। हम इसके सामने राइट करेंगे मिट्ठू के पर हरे थे। नंबर फोर, मिट्ठू खामोश बैठा ऊँगता रहता था। ऊँगता जैसे कि आपको बताया कि हर टाइम सोते रहना, बैठे बैठे सो जाना, सो वी विल राइट इट मिट्ठू खामोश बैठे बैठे सो जाता था। या आप राइट करेंगे मिट्ठू खामोश बैठे बैठे सोता रहता था। नेक्स्ट वन इज जुमले बनाए। ये कुछ आपको लफ्ज़ दिए गए हैं, आपने इन लफ्ज़ों से जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है हैरानी। जैन की बात पर मुझे हैरानी हुई। हैरानी, जैन की बात पर मुझे हैरानी हुई। कुदरत, आँख कुदरत का अनमोल तोहफा है। कुदरत मतलब आँख कुदरत का अनमोल तोहफा है। नंबर थ्री इज़ पिंजरा। ये तोते का पिंजरा है। पिंजरा, ये तोते का पिंजरा है। नंबर फोर इज़ पढ़ाती। मेरी अम्मी मुझे रोज़ पढ़ाती हैं। पढ़ाती, मेरी अम्मी मुझे रोज़ पढ़ाती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी पेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन अल्फाज के मानी लिखकर इन जुमलों को दोबारा इनके सामने राइट करना है।
नंबर टू पे आपके पास है जुमले बनाए, और सबसे ऊपर है आपके पास इमला के अल्फाज जो आपने ऊपर से देखते हुए नीचे राइट करने हैं। इनको अच्छी सी राइटिंग में राइट करिएगा। आपने ये पूरा पेज करना है और आपका पेज नंबर उर्दू वर्कबुक का पेज नंबर 17 है, और इस पेज को आपने लर्न भी करना है। सो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।